नमस्कार, मधु की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी और दलिये का हलवा। सूजी और दलिये के हलवे में लगने वाली सामग्री है 200 ग्राम दलिया, 100 ग्राम सूजी, 200 ग्राम चीनी लेनी है, 200 ग्राम देसी घी। सबसे पहले हम चीनी को पानी में घोल लेंगे। तेज रखनी है। सूजी के हलवे में पानी कम लगता है, लेकिन दलिया के लिए पानी ज्यादा चाहिए होता है। जितने खुले पानी में दलिया पकेगा उतना ही अच्छा हलवा बनेगा। चीनी को मिलाएंगे तो चीनी जल्दी घुल जाएगी पानी में, और पानी को हमने अच्छे से गर्म करना है, क्योंकि अच्छा गर्म पानी में ही ये दलिया और सूजी अच्छी लिखली पकती है और अच्छा भी बनता है। पानी गर्म हो चुका है, अब उसको हम एक तरफ रख देंगे। गैस को बंद कर देना है। गैस बंद कर देनी है। दो चम्मच घी डालना है देसी घी, क्योंकि सबसे पहले हमने सूजी भूननी है। घी को ज्यादा गर्म नहीं करना है, ये तो ज्यादा गर्म करने से घी जल जाता है देसी घी। घी गर्म हो चुका है, इसमें सूजी डाल देंगे और इसको ब्राउन होने तक भूनेंगे, जैसे कि हम हलवे के लिए भूनते हैं। आँच कम रखनी है, क्योंकि कम आँच में सूजी अच्छे से भूनती भी है और टेस्टी भी होती है। तेज आँच में सूजी जल जाती है और स्वाद भी अच्छा नहीं आता है। भून चुकी है, इसका कलर ब्राउन हो चुका है, अच्छे से भून चुकी है। अब इसको हम एक तरफ बर्तन में खाली कर लेंगे। अब हमने फिर से 3 चम्मच घी डालने हैं। दलिये में घी थोड़ा ज्यादा लगता है। दलिये को भी हमने अच्छे से गैस ऑन कर देनी है, घी को गर्म होने देना है। दलिये को भी अच्छे से ब्राउन करना, अच्छे से भूनना है। जितना अच्छा भूनेगा दलिया उतना ही अच्छा बनेगा। घी गर्म हो चुका है, इसमें दलिया डाल देंगे। दलिये को भी मध्यम से भी कम आंच में भूनना है, क्योंकि जितने कम आँच में भूनेगा उतना ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। तेज आँच में भूनने से जल जाएगा तो स्वाद भी अच्छा नहीं आएगा। चलिए, हमारा भून चुका है, उसने भी रंग ब्राउन ले लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे, थोड़ा सा हम बचा के रखेंगे के लिए। इसको ढक के रख देंगे हम, बीच बीच में हिलाते भी रहना है ताकि अच्छे से पक जाए।
हमारा तलिया पक चुका है। अब इस पे हमने सूजी डाल लेनी है। पहले हम सूजी को अच्छे से तले में मिलाएंगे, फिर हम पानी डालेंगे चीनी वाला जो। हम आज पे पकाएंगे और उसको पकने वाला टाइम जो है समय आधे घंटे का है। दलिये को पकने में टाइम लगता है कम से कम आधा घंटा या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। दलिये को अच्छे से पकने देना चाहिए और कम आँच में। इसमें हमने वो पानी डाल देना है ताकि सूजी भी अच्छे से पक जाए। दो चम्मच घी डाल देने हैं। आज को थोड़ा बना दें। जब तक पक जाती है अच्छे से तब तक पकाना है। आज मध्यम करके और जब तक अच्छे से सूख भी जाता है तब तक हमें पकाना है। हमारा बनके तैयार है। अब इसमें घी भी छोड़ दिया है। गैस को बंद कर दें। अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। सूजी और दलिये का पौष्टिक हलवा बनके तैयार है। इसे ज़रूर घर पे बनाएं, वाकई ही बड़ा टेस्टी बनता है। और मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।